नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बॉडी बैलेंसिंग कैसे किया जाता है आफ्टर स्पाइन इंजरी। क्योंकि लगभग सभी लोगों का मतलब ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनके माइंड और उनके पैर के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता या फिर बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता आफ्टर इंजरी। तो हमें वो बार बार रिपीट करना पड़ता है कि ये हमारा ही बॉडी पार्ट है। जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है 1.5 साल 2 साल का, जब वो चलने का ट्राई करता है तो नहीं चल पाता, लेकिन वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। ऐसे ऐसे बार बार लगातार करने से तब जाके उसके बॉडी और उसके माइंड के बीच में कनेक्शन मतलब कोऑर्डिनेट बनता है, तब जाके वो प्रॉपर चल पाता है। तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। इंजरी होने के बाद हम लोग कई सालों तक बेड पे पड़े रहते हैं और जो हमारा कनेक्शन है वो प्रॉपर बॉडी तक पहुंच नहीं पाता, ब्रेन से सिग्नल जो निकलता है। तो हमें वो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हमें उस पर कंट्रोल आता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर, हमारे पैरों के ऊपर। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है रत्नेश तिवारी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब ऐसे आप लेटे हैं, सबसे पहले चाहे आप बेड के लेफ्ट साइड में लेटे हों या चाहे बेड के राइट साइड में लेटे हों, तो सबसे पहले जो उठने का स्टाइल है वो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो और वो चाहे SCI पेशेंट हो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं राइट साइड में लेटा हूँ तो मुझे अगर राइट साइड उठना है तो पहले मुझे करवट लेना पड़ेगा राइट साइड, फिर अपने लेफ्ट हैंड से मुझे पुश करना पड़ेगा, ठीक है। पुश करके तब फिर मुझे ऐसा उठना पड़ेगा, फिर अपने पैर धीरे से नीचे की तरफ लटकाओ, फिर आप उठ के बैठो। अगर यही आप लेफ्ट साइड करते हैं तो आप लेफ्ट साइड लेट के राइट हैंड से आप पुश कीजिए, फिर आप उठने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आप लेटते भी हैं तो भी आप ऐसा करके लेटिए। फिर क्योंकि हमारा जो स्पाइन रहता है उस पर हमारा वहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ है, और दूसरी बात जिसको और भी सारे बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है वो भी ये अवॉइड करें डायरेक्ट उठने का। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा उठते हैं, तो ऐसा उठने से क्या रहता है, जो हमारा स्पाइन रहता है उस पर प्रेशर जाता है, तो जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर आप राइट साइड लेट रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड से पुश करके उठिए। अगर आप लेफ्ट साइड लेटे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने राइट हैंड से पुश कीजिए, ऐसा करके उठिए, ठीक है। जैसे कि अभी आप हैं ऐसे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा बॉडी बैलेंसिंग सही है या रॉन्ग है। जो बैठ पाते हैं वो पहले ट्राई करें। बैठने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप पहले बेड पे बैठिए, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मल बैठ पाते हैं, अगर बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट इतनी देर बैठता हूँ तो फिर मेरा बॉडी मतलब कांपने लगता है, मुझे थकावट फील होता है। तो सबसे पहले अगर आपका बैक पेन हो रहा है तो सबसे पहले आप फुल बेल्ट पहन के फुल बेल्ट या फिर हाफ बेल्ट पहन के आप बैठिए। उसी क्या रहता है कि आपका जो बॉडी रहता है टाइट रहता है और आपका जो बैक मसल रहता है वो बेल्ट लगाने से टाइट हो जाता है, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है बैठने के लिए। अगर आपको ये फील होता है, अगर आपको पेन होता है या बैठने में तकलीफ़ होता है, तो मैं प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर बेल्ट लगा के बैठिए। अगर आपको नहीं भी हो रहा तो भी बैठिए, क्योंकि इससे आपके बैक को सपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, ट्राई मत कीजिए, ज़रूर आप कीजिए उसको। फिर ये तो रहा बैठने के लिए, आप तो नहीं है बैठ पा रहे तो आप दोनों हाथों का सहारा ले सकते हैं, या फिर तो अगर आप पैर फैला के अगर बैठना चाहते हैं तो आप ऐसा अपना पिलो रख लीजिए, ये फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बेल्ट तभी भी बेल्ट लगाइए। अगर आप ऐसे बैठ रहे हैं तो भी आप बेल्ट लगा के ऐसे आप बैठिए। ऐसे बैठने से क्या रहेगा, आपको बैक का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, मतलब ज़्यादा ऐसे बैठने पे हम लोग को खुद बैलेंस करना पड़ता है कहीं हम गिर ना जाए। ऐसा बैठने पे आप एकदम बिंदास होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आप ना इस साइड गिरेंगे ना इस साइड ना पीछे की साइड सपोर्ट तो मिल ही रहा है पिलो से आपको। तो आप पहले ऐसे बैठने का ट्राई कीजिए। जब आप धीरे धीरे ये पोजीशन में आधा घंटा या उससे ज़्यादा बैठने लग जाएं, फिर आप ट्राई कीजिए कि नॉर्मल बैठने का, फिर आप ऐसे बैठने का ट्राई कीजिए। इस स्थिति में अगर बैठ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसके बाद
क्या करना है आपको, फिर खड़े होना है। खड़े होने मतलब वॉकर के सहारे आपको खड़े होने का, ये तो वो तो बात की बात है। पहले हम अपना बॉडी बैलेंसिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप जब बैठ पाएंगे तो आप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बैठे आप ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो बैठने के बाद जो स्ट्रेंथनिंग गेन होगा तभी आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो जब आप कंटिन्यू बैठने के बाद लिम्स पे आ जाइए, फोर लिम्स यानी कि दोनों घुटने पे और दोनों हाथ पे, सिर्फ आपको इतना ही करना है। फिर भी लेकिन यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि आपको बेल्ट पहन के रखने का है। तो फिर आपको ऐसे सिर्फ रहना है, सिर्फ ऐसे जितना मिनट आप रह पाएँ, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप रह पाएँ उतना देर आप रहिए। इससे क्या रहेगा कि आपका जो ये पैल्विक मसल है ये और ग्लूट मसल जो है ये भी आपका स्ट्रेंथनिंग होगा, और फिर इसके लोअर बॉडी और अपर बॉडी के बीच में वो जब मसल स्ट्रांग होगा तब आप ये चीज़ कर पाएंगे। नहीं बहुत लोगों को क्या होता है कि जैसे मेरे स्टार्टिंग में क्या था, जो मेरा ये राइट पैल्विक है ये बहुत वीक था, मैं ये भी नहीं कर पा रहा था जिस पोजिशन में अभी मैं हूँ, तो इसके लिए मैं यही प्रैक्टिस करता था। फिर जब ये धीरे धीरे मैं इसको 15 से 20 मिनट तक मैं इसमें इसी पोजीशन में मैं खड़े रहता था, तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट मुझे फिजियोथेरेपी ने दिया था बेड के सहारे खड़े होने के, कि अपने दोनों नी पे खड़े हों। तो उसके लिए मैं क्या करता था, तो मैं बेड के सहारे खड़ा होता था ऐसा करके, फिर उसके बाद फोर लिम्स पे ना होके मैं दोनों लिम्स पे खड़ा होता था ऐसा, ताकि मेरा जो हिप मसल है और जो पैल्विक मसल है ये स्ट्रांग हो, ठीक है। तो मैं इस पोजीशन में ऐसे खड़े रहता था, मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट इसमें भी अपना जितना भी मैं कर पाता था। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग मुझे ऐसे चक्कर आ जाते थे कि मतलब इस पोजीशन में खड़े होने के लिए मुझे ऐसे मतलब ये भी पकड़ के नहीं खड़े होने पाता था। मैं फिजियोथेरेपी मेरे पीछे खड़ी रहती थी ताकि मैं पीछे की तरफ गिर ना जाऊँ, क्योंकि मेरा बैलेंस था। तो मैं ऐसा होता था कि ताकि अगर मैं पीछे ना जा पाऊँ, क्योंकि मेरा ये मसल बहुत ज़्यादा वीक था। तो फिर इसके बाद मैं ये प्रैक्टिस कर करके जब इसके भी मेरा प्रैक्टिस हो गया, तो फिर मैं हाथ छोड़ के मतलब ऐसे खड़े होने लगा, मैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं ये प्रैक्टिस करने लगा। तो जैसे पकड़ा हूँ जैसे छोड़ देता था कि अगर गिरने जाऊँ तो इसे तुरंत पकड़ लूँ, तो धीरे कर करके फिर 3 4 5 6 महीने के बाद तब फिर मैं इस पोजिशन में आया था, ठीक है। तो ये इससे आपको पता चलता है कि आपका बैलेंसिंग सुधर रहा है। अगर जब आप ये छोड़ के इस पोजीशन में अगर आ गए तो समझ लीजिए कि आपका जो अपर बॉडी बैलेंसिंग है, लेकिन आप ये तब कब कर पाएंगे, जब ऐसा नहीं है कि आपको अपर बॉडी का बैलेंसिंग ही करना है, इसके साथ साथ आपका हैमस्ट्रिंग और ये कॉर्डिसेप मसल स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका यही नहीं स्ट्रांग रहेगा तो आप खड़े कैसे रह पाएंगे। तो इसके साथ साथ अपर बॉडी बैलेंसिंग के साथ साथ आपका पैर का भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद जब मेरा ये हो गया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आया 6 महीने के बाद एक लेग पे खड़े होने का। इसमें ऐसे क्या करता था, एक पैर ऐसा आगे करता था फिर ऐसे पकड़ के रहता था, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मैं काउंट करता था 1 मिनट, फिर इसके बाद इसको मैं नीचे लेता था, फिर इसके बाद इसको सामने लेता था, ताकि दोनों पे इक्वल एक्सरसाइज हो और दोनों को इक्वल प्रेशर आए, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये हो गया तब फिर मेरा ये पकड़ के जब इस पर भी मेरा स्ट्रेंथनिंग आ गया, तब फिर इसके बाद मैं ऐसी ऐसा रहता था, क्योंकि इसने ऐसा गिरता था, ऐसा लड़खड़ाता था, लेकिन मैं क्या था कि ऐसा पकड़ लेता था, या फिर जो भी मेरे आसपास थे जैसे फिजियोथेरेपी या फिर मम्मी थे या फिर भैया थे वो मुझे सपोर्ट देते थे, गिरने नहीं देते। तो मैं ऐसा ऐसा करता था जैसे मतलब बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसको नीचे लेता था, फिर इसके बाद इसको ऊपर लेता था, क्योंकि ये स्ट्रांग है तो इससे मैं ज़्यादा सपोर्ट ले पाता था, तो फिर इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब मैं इसको आगे करके इस पर जब सब लेता था तो मैं सब मेरा डिसबैलेंस होता था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अभी भी 100% है, अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अभी तो काफ़ी अच्छा है। जब ये होने के बाद फिर इसके बाद मैं अपने नी पे वॉक करना स्टार्ट किया, मतलब पहले लिम्स पे वॉक करना स्टार्ट किया, जैसे मैं यहाँ हूँ, फिर इसके बाद इसे आगे जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद मैं पीछे आता था, पीछे हालांकि मेरे पैर जाते नहीं थे क्योंकि ये वाला पैर नहीं जाता था मेरा राइट वाला, तो इसको उठा के मुझे जो भी मतलब रहता था उस टाइम पे इसको पीछे लेता था ऐसा करके,
ठीक है, ऐसा करके पीछे लेते हैं। फिर जब ये मेरा फोर लिम्स पे मैं वॉक भी करने लगा, जब कम से कम मुझे ये पोजीशन में आने के लिए, मतलब अगर मैं अपने जैसे मैं करके बता रहा हूँ, ये नी पे मुझे वॉक करने के लिए 1.5 साल लगे थे। फिर इसके बाद फिर मैं मतलब ऐसा वॉक करने लगा, ऐसा 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 करके, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, अभी 5 साल हो गए लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं अभी भी प्रैक्टिस करते रहता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद जब मैं ये करने लगा, फिर इसके बाद मैं मुझ में उठक बैठक करने लगा। उठक बैठक क्यों? ताकि मेरा ये मजबूत हो, क्योंकि मैं खड़े होकर कर नहीं पा रहा हूँ उठक बैठक। मैं अगर उस पर करने जाता था तो खड़े खड़े में गिर जाता था, तो मैं ट्राई करता था कि मैं ये वाला करूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक पिलो रख लेता था इसे, ठीक है। फिर इसके बाद बेड के और नज़दीक आ जाता था ताकि अगर मैं गिरूँ तो इसको पकड़ लूँ। फिर ऐसा बैठता था, ऐसा उठक बैठक लगाता था, ठीक है। तो ये उठक बैठक लगाने से क्या होता है, आपका पैल्विक मसल स्ट्रांग होता है, आपका हिप मसल स्ट्रांग होता है, आपका कॉर्डिसेप और आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होता है। तो जब आपका ये सब स्ट्रांग होगा, आपका अपर बॉडी स्ट्रांग होगा, तब आप खड़े हो पाएंगे। जब आप खड़े हो पाएंगे तो अपना बॉडी बैलेंस कर पाएंगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, तब आप चलने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं ये करने लगा, ठीक है। ये करने के लिए मुझे कम से कम 1 साल 8 महीने हो गए थे ये करने के लिए, ये कॉर्डिसेप मसल करने के लिए। इसको बोलते हैं हाफ स्क्वाट्स बोलते हैं। अगर आप खड़े होकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैठ के, मैं बोलूँगा ज़रूर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए। ऐसे डायरेक्ट इसमें मत आइए, जितना एक्सरसाइज बताया उसको करने के बाद ये आपका ईजिली होगा। अगर आप डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे तो आपका मसल यहाँ का टीयर अप हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, थक जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि सर मैंने तो किया था, इतना किया था, उतना किया था। वो सब करने के बाद फिर आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं क्या है, सपोर्ट लेके नहीं करता हूँ, हालांकि मैं अभी ये नहीं करता हूँ, ये मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, ये अभी मैं ये वाला स्क्वाट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी बैठ के कर पाता हूँ खड़े खड़े, तो वो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं ये करता हूँ अभी, देख रहे हैं मैं कितना ईजी कर पा रहा हूँ। लेकिन ये सब मेरे मेहनत का नतीजा है, ऐसा नहीं है कि ये सब रातों रात या फिर एक दिन या दो दिन में या एक महीने में आ गया। मुझे आज 5 साल हो गए हैं तब मैं जाके इतना ईजी कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ये भी ट्राई मत कीजिए, आप इसको कीजिए ही कीजिए। सब एक्सरसाइज करने के बाद तब आप इसको ट्राई कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ। फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर ऐसे बैठता था, ताकि मुझे रिलैक्स करने के लिए, ताकि जो मसल स्ट्रेचिंग हो पाए, ये भी एक तरह का स्ट्रेचिंग है। इस तरह से जब आप बैठते हैं तो यहाँ का मसल का और हिप मसल का आपका स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गया आपका बेड पे बॉडी, अपर बॉडी बैलेंसिंग। फिर इसकी अब मैं बताऊँगा खड़े होने के बाद आप बैलेंसिंग कैसे कर पाएँ।